जी हाँ भाई इरफान, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल छुपाली पर। मेरा नाम है पम्मी और आज मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ अपनी प्यारी लॉस सैंटोस की खतरनाक वाली दुनिया के अंदर। और यहाँ का व्यू भाई हमेशा हमेशा हैप्पी लगता है। और मेरे को पता भी नहीं था कि हमारे घर से वाइनवुड की पहाड़ियां दिखती हैं। भाई द मोस्ट एपिक जगह GTA 5 की। तभी मैं कहूं कि अपना पेंट हाउस लॉस सैंटोस के अंदर सबसे महंगे में से क्यों आता है। ऑब्वियसली ये व्यू देख रहे हो, इमेजिन शाम की चाय, हम शाम का नाश्ता पानी यहाँ पर कर रहे हैं इस व्यू के साथ, एकदम वर्थ है भाई। और आज की गाइस वीडियो के अंदर मैं लॉगी को खतरनाक वाला मजा चकाने वाला हूँ, क्योंकि आज हम बाय करने वाले हैं खतरनाक छोटी वाली मिस्टर बिन की गाड़ी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। लॉगी तो गया मेरे भाई, बस मैं नीचे आके तेरे को बताता हूं। मैं आपका पास बार ही इंतजार कर रहा हूं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने ऑलरेडी गाड़ी ले ली है और मेरे सामने अभी हरकतें करेगा, चौपंती करेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई। आज हम इसको बता देंगे कि हमारी गाड़ी और हमारी कस्टमाइजेशन लॉस सैंटोस के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है, हो सकती क्या है। और ये देखो पीछे से मुक्का। ओ, ए भाई मैं अपने मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 सेकंड देना। एंड आगे से मुक्का। एक मिनट बाप, तो मुझे फोन करने दोगे नहीं? 1 सेकंड। अरे हवाएं मुक्के मार रहा है। ओ भाई फाइटिंग करेगा। नहीं नहीं नहीं, बंदूक से नहीं, हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से। आ जाओ भाई, भाई 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 भाई। ओ भाई मैं डर गया। ओ भाई भाई, ये ले एक और ले, छलांग मार के मुक्का हवा में पड़ी यार मुझे। आ जाओ, इसे कहते हैं गाइस उल्टे हाथ की पलना। ले मेरे को पड़ी भी नहीं। ओ भाई इसकी मेरे को मुक्के मार रहा है। ये ले पीछे से कहा, ये ले एक और ले, अभी फुल ऑन फुल ऑन। ये ले लात, ये कोनी, ये लात। मर रहे यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरी गाड़ी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेके रखी हुई है, क्योंकि मेरे को ज्यादातर टाइम आज वेस्ट नहीं करना गाड़ी का वेट करने पर। तो एक काम करते हैं फटाफट से गाइस, मेरे को मैकेनिक को फोन करना है और अपनी खतरनाक वाली गाड़ी मंगाते हैं। लॉगी तेरे पास भी यही चैलेंज है, तेरे को भी गाड़ी मंगानी है और साथ ही साथ कस्टमाइज करनी है, और हमें देखना है क्या ये छोटी सी गाड़ी GTA 5 की ट्रेन को रोक सकती है कि नहीं। और अगर गाइस आपको ये वाली गाड़ी लेनी है तो आपको सिर्फ बैनिज के पास जाना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ बैनिज के पास कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला स्टॉक आ चुका है, एकदम ब्रांड न्यू। और आपको तो पता है कि बैनिज के पास जो गाड़ियां आती हैं और वो मार्केट के अंदर किसी के पास भी नहीं होती। तो गाइस ये रही वो गाड़ी, तो ये रही बगैर कस्टमाइजेशन के, और कस्टमाइजेशन करने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। और गाड़ी की वैल्यू आती है $6,00,000। फैंस क्या, कितनी छोटी सी गाड़ी और वो भी $6,00,000 की। और ये स्पीड बहुत कम, एक्सेलरेशन बहुत कम, ब्रेकिंग तो है ही नहीं गाड़ी के अंदर, और ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन मेरे को पता है गाइस कि कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन के बाद एकदम से हवा से बातें करेगी। और ये देख रहे हो लॉगी की गाड़ी, ओ भाई भाई पीछे से देख रहे हो, ये पखों के हवा से चलती है ये गाड़ी। भाई इतनी खतरनाक गाड़ी इसने बना कर रखी कि गाड़ी का बोनट ही बंद नहीं हो रहा। देख रहे हो खतरनाक है यार ये वाला। तो ऊपर से मैंने पूरी छत ही खोल दी है गाड़ी की। कहाँ पर है? अरे वो तेरे पास कन्वर्टेबल गाड़ी है भाई, रुक जा मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ अंदर। ए भाई ग्रेनेड नहीं फेंकना है भाई, नो नो नो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, लॉगी को मारते हैं गोली। और तू किधर जा रहा है भाई? लॉस सैंटोस के बंदे एकदम से पागल हो चुके हैं। और ये वेल डन, क्या यार तूने मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी तोड़ दी। गाइस ये रही गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, और फिलहाल इसके ऊपर कोई भी कस्टमाइजेशन मैंने अभी तक नहीं की। और बिना कस्टमाइजेशन के गाइस गाड़ी देखो कहाँ कहाँ जा रही है। हल्का सा लेफ्ट दबाया तो लेफ्ट में ड्रिफ्ट, हल्का सा राइट दबाया तो राइट में ड्रिफ्ट। तो मेरे को इस गाड़ी को पूरा कस्टमाइज करना है और ठीक करना है भाई। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी एकदम से खतरनाक ड्रिफ्ट मारे यार, ऐसे अनकंट्रोलेबल लेवल की गाड़ी मेरे को फिलहाल नहीं चाहिए। सुनो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल करना है तो रिवर्स में चलाओ। रिवर्स में चलाना पड़ता है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए भाई, अजीब फंडे GTA 5 के। और मैं तेरे को खतरनाक वाला चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है? हम लास्ट में गाड़ी को ठोकेंगे ट्रेन के अंदर। अच्छा। और फिर चेकआउट करेंगे कि किसकी गाड़ी ज्यादा डैमेज हुई है, ठीक है ना? और अभी यहाँ से मेरे को मुड़ना है राइट हैंड साइड, और ये रहा गाइस बैनी का खुफिया गैरेज, जहाँ पर बिल्कुल लॉस सैंटोस की सिटी के अंदर। और ये देखो शटर भी बंद है, लेकिन चले कोई बात नहीं, बैनी को पता है कि हम आ रहे हैं। और हमारे आते ही गाइस इसने ऑटोमेटिक शटर खोल लिया, बाहर कोई कैमरे को उम्र से लगा कर रखा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, घुसते अंदर। हेलो बैनिज, बहुत टाइम के बाद मैं तेरे से मिलने आ रहा है मेरे भाई। और अभी मेरे को ये गाड़ी फुल ऑन कस्टमाइज करने, सबसे पहले मेरे को खतरनाक वाला अपग्रेड करना पड़ता है बैनिज के अंदर आके ही। और पहला अपग्रेड ही भैंस की 5.5 लाख। भाई क्या हुआ क्या, मेरे को तो पता भी नहीं लगा। वो तो इस अपग्रेड से पता क्या होता है, इस अपग्रेड से बैलेंस अपनी कस्टमाइज किट यहाँ पर लगा देता है, और उस किट को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो लीजिए गाइस, पहला अपग्रेड में कर चुका हूँ, 5 लाख में खर्च चुका हूँ। तो अभी मेरे को छोटी मोटी चीजें इस गाड़ी के ऊपर लगानी है, बॉडी वर्क, हैंग ऑन अ सेकंड। मेरे को फिलहाल अच्छा
मैं चीजें रिमूव भी कर सकता हूँ। मेरे को फिलहाल कुछ रिमूव नहीं करना, ठीक है। ब्रेक्स के ऊपर चले तो ब्रेक्स लगाएंगे हम खतरनाक रेस वाली ब्रेक्स। और आप भी आता है गाइस रियल कस्टमाइजेशन, सबसे पहले आता है अपना बम्पर। ये देखो बम्पर ही मैंने हटा दिया, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी के दांत ही नहीं है। तो यार मेरे को बम्पर यहाँ पर हटाना नहीं है, मेरे को बम्पर यहाँ पर लगाना है। और मेरे को चाहिए हैवी ड्यूटी बम्पर। ये क्या है भैंस की यार, कैसा भाई ट्रक का बम्पर इन लोगों ने गाड़ी के ऊपर लगा दिया। तो यार डेफिनेटली मेरे को ये वाला नहीं लगाना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाला। इसके ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है, एकदम ओपी लग रहा है। तो काम करते हैं फटाफट से ये वाला ले लेते हैं। और अभी आता है इसके बाद रियर वाला बम्पर। भाई साहब खतरनाक लग रहा है यार। ओके मेरे को सिंपल चाहिए और एकदम डेडली लुक चाहिए। तो एक काम करते हैं ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। इससे अगर गाड़ी पीछे से ढुकती है तो हमारी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा, ऑब्वियसली बम्पर डैमेज होगा ये वाला। और ये कितने का आता है, 14,000 का। तो यार सस्ते में पड़ जाएगा बम्पर को रिपेयर करना। उसके बाद गाइस आता है हमारा इंजन। तो इंजन बैक में भी लगा सकता हूँ और मैं फ्रंट में भी लगा सकता हूँ। अरे भाई खतरनाक है यार। तो ऑब्वियसली मेरे को चाहिए पावरफुल इंजन। अब ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि पावरफुल इंजन कहाँ पर लगना है। इंजन के बाद आती है गाइस हमारी इंजन की ट्यूनिंग, एकदम पूरा लेवल 4 का अपग्रेड कर दो भाई। पैसा बहुत है हमारे पास GTA 5 के अंदर। और अभी आता है हमारा एग्जॉस्ट। भाई क्या चिंगारियां निकल रही हैं एग्जॉस्ट में से। तो डबल एग्जॉस्ट मेरे को नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए साइड वाला। और फाइनली आखिर में आता है ये तो एकदम से चोमू लग रहा है यार। यार एक काम करते हैं मैं ये वाला लगा लेता हूँ, एकदम एपिक लग रहा है ये। उसके बाद मेरे गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव्स नहीं लगाने। फेंडर क्या होता है, इससे गाड़ी की लुक एकदम से खराब रही है। और अभी आता है ग्रिल। ग्रिल से भी गाड़ी की लुक मैं समझ नहीं आ रहा सही हो रही है खराब हो रही है। काम करते हैं डिफॉल्ट वाली ग्रिल मेरे को बहुत पसंद आ रही है। हेडलाइट कवर, भाई साहब ये देख रहे हो हेडलाइट के ऊपर। भाई ये कवर नहीं है, तुम लोगों ने यहाँ पर हेडलाइट के ऊपर सेलो टेप लगा लिया है। और सेलो टेप की ये गाइस मेरे को चार्ज कर रहे हैं $9,000। नाइस, लूटने का तरीका कोई GTA वालों से सीखे। ओ भाई साहब ये कितना मस्त लग रहा है, एकदम डेडली लग रहा है भाई। देखो गुस्से वाली गाड़ी, अभी मेरे को एंग्री बर्ड की चिड़िया लग रही है ये गाड़ी। ओके तो एंग्री वाला कवर गाइस मैंने यहाँ पर ले लिया, एकदम जबरदस्त लग रहा है। और इसके बाद आते हैं गाइस अपनी हुड। अरे टैचिया लेके मैं कहाँ लेके जाऊंगा। और लॉगी ने ये वाली हुड लगा कर रखी है, एकदम बेकार लग रही है, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो थोड़ी बहुत सर्चिंग करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हुड यहाँ पर लग सकती है। मेरे को अपना ये बोनट पीछे खोलने का कोई शौक नहीं है, और उसके ऊपर मेरे को छेद भी लगाने। तो काम करते हैं हम यहाँ पर लगाएंगे एकदम से क्लासिक लुक, उसके ऊपर देंगे एकदम से टैची। इसके अंदर हम रखेंगे अपनी पुरानी वाली जुराबे। उसके बाद आता है हमारा होन, हमेशा की तरह हम लगाएंगे अपना क्लाउन वाला होन। और अब भी आती है गाइस इंटीरियर की बारी। तो अगर आपको गाइस इंटीरियर कस्टमाइज करना तो आपको बैनिस के पास आना पड़ेगा। सबसे खतरनाक वाली कस्टमाइजेशन जो इंटीरियर की करता है वो हमेशा बैनिस करता है। भाई ये देख रहे हो दरवाजे के अंदर भैंस की बुलेट प्रूफ। ये क्या लिखा, मसल डोर पैनल। मेरे को इतनी मसलदार गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लगाएंगे सिंपल काले रंग की डेकोरेशन, एकदम खतरनाक। और अभी आती है गाइस हमारी सीट्स, और रेसिंग सीट्स, और वो भी लाल रंग की, खतरनाक लग रही है यार ये। तो हम लगाएंगे यहाँ पर कार्बन रेसिंग सीट्स। और इसके बाद आता है गाइस अपना स्टीयरिंग व्हील। वाई खतरनाक है यार, व्हाइट वाला एकदम एपिक लग रहा है ब्रोस। अच्छा व्हाइट वाला डिफॉल्ट है, तो हम डिफॉल्ट को ही रहने देते हैं। और मैं अंदर की लाइटें भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, वो तो है एकदम एपिक लग रहा है। तो गाइस एक काम करते हैं, हमारा स्टीयरिंग व्हील व्हाइट है, और व्हाइट के साथ ये येलो एकदम सुपर लग रहा है। हेडलाइट आती है हमारी जियोन लाइट्स, और नियॉन किट मेरे को लगानी है गाड़ी के चारों पास से ऊपर नीचे आगे पीछे लाइट। और इस लाइट का कलर हम येलो करेंगे, ताकि अंदर वाला कलर और बाहर वाला कलर एकदम से मैच होना चाहिए। और अभी आते गाइस हमारी पैनोरामिक रूफ। और रे बाप रे जबरदस्त है यार, मेरे को खतरनाक बनाना पूरी गाड़ी को। और रे ये देख रहे हो एकदम क्लासिक लुक। ओके मेरे को क्लासिक लुक फिलहाल नहीं देनी, कौन सी वाली लगाऊं। ओके गाड़ी के ऊपर मेरे को टैचिया वगैरह नहीं रख रही भाई, मेरे को ऊपर से कन्वर्टेबल रूफ चाहिए, ताकि एकदम से फ्रेश फ्रेश हवा आनी चाहिए। तो काम करते हैं गाइस ये वाली ले लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपनी सनस्ट्रिप। ओ भाई ये देख रहे हो हल्का हल्का मैंने यहाँ पर ग्लास लगा कर रखा है भाई, एकदम पुराने जमाने की गाड़ी लग रही है। तो पुराने जमाने की गाड़ी और एकदम नए नए इंजन। और मैंने देखा कि लॉगी ने ना गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा स्पॉइलर लगा कर रखा है, उससे पूरी गाड़ी एकदम से स्पॉइल हो रही है। तो मैं बेवकूफी वाले काम नहीं करूंगा, मैं लगाऊंगा स्पॉइलर अपना बजट में, ताकि गाड़ी के ऊपर अच्छा भी लगे और गाड़ी के लुक भी ना खराब हो। ये वाला मेरे को ठीक ठीक लग रहा है, इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। सस्पेंशन हम रखेंगे एकदम से स्ट्रीट वाले। और सारी चीजें करने के बाद गाइस एक चीज मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ, और वो है अपनी लिवरी। अभी देखते हैं गाड़ी की कस्टमाइजेशन कहाँ पहुंचती है। ये देखो अरे सिंपल, अरे यार ये वाली मेरे को बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे को देखना कि लॉगिन ने फायर वाली लगा कर रखी है। मेरे को सिर्फ चेकआउट करना कि फायर वाली लगेगी कैसे गाड़ी के ऊपर। अरे किधर है फायर वाली, नीचे नीचे नीचे। ओ माय गॉड
ये मेरी एकदम से फेवरेट लग रही है। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे। और नीचे, अरे यार ये वाली तो कुछ ज्यादा ही मस्त लग रही है भाई। ओके नीचे, ओ माय गॉड फायर वाली। ओके फायर वाली सुपर कूल है, तो हम फायर वाली लगा लेते हैं यहाँ पर। और अभी मेरे को चेंज करना है, फाइनली लास्ट चीज है, आई प्रॉमिस, अभी मेरे को चेंज करना है गाड़ी का कलर, ताकि फायर के साथ एकदम से परफेक्ट बैठना चाहिए यहाँ पर। काले रंग की गाड़ी और साथ में फायर, मैन अपनी गाड़ी फायर लग रही है एकदम से रियल लाइफ में। हर एक कलर अपनी गाड़ी के ऊपर एकदम से परफेक्टली फिट आ रहा है, ये बेस्ट है। ओ माय गॉड सर्फ ब्लू। तो गाइज अगर आपको ये वाली कस्टमाइजेशन पसंद आए तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन अब भी। लग रेडी है ना अपनी कस्टमाइजेशन देखने के लिए? अरे भाई मैं रेडी हूँ, बिल्कुल भाई खड़ा हूँ मैं। पक्का तो अपनी कस्टमाइजेशन देख के एकदम GTA 5 छोड़ ही देगा। ये देख ले भाई एकदम अपनी गाड़ी मिसाइल लग रही है भाई, भाई। मेरी गाड़ी की लाइटें देख, आगे से लाइटें देख और एकदम गुस्से वाली गाड़ी लग रही है मेरे को। ये देख एक सेकंड पीछे रिवर्स करता हूँ, तो अपनी आगे से लाइटिंग देखियो, देख रहा है एकदम गुस्से वाली लाइट है ये, गुस्से वाली। और तेरी गाड़ी भी ऐसे एक्चुअली नॉट बैड है, ठीक है मेरे को भी अच्छी लगी। ऑलराइट अभी गाइस मेरे को गाड़ी ट्रेन स्टेशन के ऊपर लेके जानी है और टेस्ट करना कि किसकी गाड़ी ज्यादा खतरनाक है। और कस्टमाइजेशन के बाद गाइस गाड़ी थोड़ी सी रेस दी और एकदम से हवा से बातें कर रही है और रेडी। ओ माय गॉड क्या मस्त गाड़ी है ये। लॉस सैंटोस की जितनी भी हमारी गाड़ी है ना, सबसे नॉट सबसे वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी मेरी ये बन चुकी है ब्रोस। क्या हैंडलिंग है उतनी, ओके ओके हैंडलिंग वाले पार्ट को मैं फिलहाल इग्नोर करता हूँ, लेकिन क्या कस्टमाइजेशन है गाड़ी की यार, एकदम एपिक लग रही है। और सीधा हम आ चुके हैं ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर। और लॉगी मेरी बात सुन ले, सबसे पहले तू जाएगा ठीक है, तो काम करते हैं। मुझे अपने नीचे मर गया क्या? सॉरी आ रहा हूँ मैं, फिर से आ रहा हूँ। तेरे को मैंने बोल कर रखा था कि गाड़ी के अंदर क्वालिटी वाली ब्रेकें लगानी है, ये सस्ती ब्रेक लगा के आ चुका है गाड़ी के अंदर और वो ब्रेक मार भी नहीं रही। ओके अभी आगे आ गया, यहाँ से भी ट्रेन आएगी और तेरे को गाड़ी ट्रेन के अंदर ठोकनी है, ठीक है? आजा आजा ठीक है, रेडी हो जाओ मैं। अरे आजा अपन रेडी है, आज की आग सारे काम अपने रेडी होती है। तो अपनी गाड़ी मेरे को अभी यहाँ पर पार्क करनी है एकदम साइड के ऊपर और मेरे को यहाँ पर बैठना है लॉगी गाड़ी के अंदर। आजा लॉगी, किसी भी सेकंड ट्रेन आ सकती है और ट्रेन बताएगी। भैंस कितना बड़ा पक्का है यार, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जरा सी गाड़ी और भगाएगा लॉगी तो एकदम लिटरली उड़ सकती है उसकी गाड़ी, इतना हैवी लेवल को उसने स्पॉइलर लगा कर रखा हुआ है। अभी मेरे को चेकआउट करना है किसी गाड़ी टूटेगी या हमारा सर टूटेगा। कोई बात नहीं, तो लॉगी गाड़ी फट चुकी है, अभी आती है अपनी गाड़ी। तो मैं फुल स्पीड पे गाइस अपनी गाड़ी पटरी के ऊपर चला रहा हूँ और जैसे ही आगे से ट्रेन आई या मेरे को ट्रेन दिखी, मैंने घुसेड़ देनी है गाड़ी अंदर ही। और लॉगी तेरे आगे ट्रेन आ गई, गिरियो मत, ओके एंड घुसेड़ दो। अरे मेरी गाड़ी कितनी स्ट्रांग है ब्रोस, कुछ भी नहीं देख रहा है लॉगी, इसे कहते हैं एकदम से धुआंदार गाड़ी। और मेरी गाड़ी के ऊपर लिटरली कोई स्क्रैच भी नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ से ड्रिफ्ट मार के गाड़ी अपनी ट्रेन के सामने खड़ी भी कर दूं ना, मैं ऐसी कुछ नहीं कर सकती इतना ट्रेन। एक सेकंड अभी मुझे कुछ टेस्ट करना है। तो चलिए गाइस इस बार मैं यहाँ पर कंपटीशन जीत चुका हूँ, लॉग एक बार फिर से हार चुका लॉस सैंटोस की दुनिया के अंदर। लेट्स गो भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी मैंने बिल्ड करके रखी है ना, ट्रेन भी इस गाड़ी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देख रहे हो ट्रेन के सामने खड़ा हूँ मैं, और तेरी ओ भाई मर गया वो, देख रहे हो पीछे से दुपड़ा बजूकियां मार रहा है, वहां से कुछ नहीं होने वाला मेरी गाड़ी को मेरे ब्रो। भाई मैं ट्रेन को मारने की कोशिश कर रहा हूं, नूबरी ट्रेन भाई, वो तो जज्बाती हो चुका है लॉगी यार, पता नहीं कहां कहां से एम कर रहा है। अरे आ गई वो, देख लग जाएगी ज्यादा पक्के मतले। देख तू हार चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे सारा गुस्सा मेरी गाड़ी के ऊपर उतार रहा है। तो चलिए गाइस छोटी सी बड़ी बतरा काफी है मेरे को, तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। मेरे को पता ये फोड़ेगा।